क्लास टेन के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं लगातार आपकी तैयारी करा रहा हूं। इसी श्रृंखला में अपन वार्षिक परीक्षा के लिए कुछ पेपर सोल्व करेंगे, जिसमें से आज अपन ना सेट ए को सोल्व करेंगे। इसके बाद में अपन सेट बी देख सकते हैं आप, इसके बाद अपन सेट सी, डी, ध्यान से देखिए आप, है ना, ई और एफ, ये छह तरह के पेपर में आराम से आपको सोल्व कराऊंगा। हर एक वीडियो में एक एक सेट आपको आराम से सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि हमारे बच्चे अच्छे नंबर स्कोर कर पाए। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा है कि मैं आपको अच्छे नंबर स्कोर कराने में मदद करूंगा, पूरी तैयारी कर ली है मैंने, पूरी रिसर्च के बाद में आपके सामने ये पेपर सॉल्व करा रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले सही विकल्प को देखते हैं। नवाब साहब ने खीरों की फाखों का क्या किया? जैसे कि आपने चैप्टर पढ़ा है और उसमें जो लेखक है वो रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा था, तो नवाब साहब को देखा तो उन्होंने खीरों की फाखों का क्या किया था, उनमें अच्छी तरीके से उसकी सुगंध ली और बाद में बिना खाए उसको खिड़की से बाहर फेंक दिया था। ठीक है, तो खिड़की से बाहर फेंक दिया। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? देखिए वाच्य जो होते हैं ना वो तीन तरह के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं वाच्य? तीन तरह के। और कोई आपसे नाम पूछ ले तीनों के, तो नाम है उनके, पहला है आपका कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा जो है वो है आपका भाववाच्य। ठीक है, हो गया। तो वाच्य कितने प्रकार के हो गए? तीन तरह के हो गए। बाबूजी जो है वो किसका पाठ करते थे? तो बाबूजी जो थे लेखक के, वो रामायण का पाठ करते थे। किसका पाठ करते थे बच्चों? रामायण का। ठीक है, प्रगतिवाद के लेखक, प्रगतिवाद के कवि माने जाते हैं? तो प्रगतिवाद के कवि है रामधारी सिंह दिनकर। विनय पत्रिका के कवि का क्या नाम है? थोड़ा बड़ा करते हैं। विनय पत्रिका के कवि का क्या नाम है? विनय पत्रिका के कवि का नाम है तुलसीदास। वीर रस का स्थाई भाव, वीर रस का स्थाई भाव है, तो वीर रस का स्थाई भाव है उत्साह। अब देखिए कृत वाच्य में क्रिया डेडेस के अनुसार होती है, तो कर्ता के अनुसार होती है, कर्ता के अनुसार होती है। भोलानाथ का असली नाम डेडेस था, तो भोलानाथ का जो असली नाम था वो तो तारकेश्वर नाथ। क्या नाम था? तारकेश्वर नाथ, तार तारकेश्वर नाथ। सूरदास के गुरु थे, सूरदास जी के जो गुरु थे ना वो वल्लभाचार्य जी उनके गुरु थे, सोरठा जो छंद है, सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं? तो सोरठा में आपके चार चरण होते हैं। कितने चरण? चार चरण। श्रृंगार रस का स्थाई भाव, देखिए एक रस का तो 100% स्थाई भाव पूछता है एग्जाम में, है ना। ठीक है, तो श्रृंगार रस का जो स्थाई भाव है वो है रति। ठीक है, श्रृंगार रस दो तरह का है, एक तो संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, लेकिन स्थाई भाव क्या है? दोनों में ही रति है, प्रेम है। एक में करुणा वाला है, एक में दुख वाला है, तो एक में संयोग वाला है, एक में वियोग है। नेताजी की जो मूर्ति है डेडेस की बनवाई गई थी संगमरमर की, यहां पे लिख देते अपन संगमरमर।
ठीक है, कई अंकों वाली रचना, कई अंकों वाली रचना को अपन कहेंगे नाटक। आदमी जात का आदमी पतितों के देश में, आदमी जात का आदमी है पतितों के देश में। प्रत्येक, प्रत्येक में आ जाएगा प्रतिधन एक। मैया, मैया का आ जाएगा जो है वो कड़वा तेल लगाती थी बच्चों को उसके, ठीक है। योग का संदेश, योग का संदेश कौन लेकर आए थे, तो उद्धव जी लेकर आए थे। कभी कभी ये पूछता है क्या योग का संदेश गोपियों ने स्वीकार किया था, नहीं। और एक प्रश्न तो 100% आते जाता है, बहुत बार आता है कि योग का जो संदेश था वो गोपियों को कैसा लग रहा था, तो कड़वी ककड़ी के जैसा लग रहा था, ठीक है। और पंचवटी, पंचवटी एक खंड काव्य है, हो गया। अगला है जो एक वाक्य में उत्तर, ठीक है। शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, तो तीन प्रकार की होती है, ठीक है। तो यहां पर कितने प्रकार की होगी, वो तीन प्रकार की। यदि कोई नाम पूछे तो है एक अभिधा, ठीक है, अभिधा। दूसरा है आपका व्यंजना, और लक्षणा, ये तीन तरह की, ठीक है। शब्द शक्ति किसे कहते हैं, देखिए शब्द और अर्थ के संबंध को, शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। अर्थ के संबंध को शब्द कहते हैं, हो गया। अगला देखिए, भोलानाथ सिसकना क्यों भूल गए, जो साथी बच्चे थे ना उनको खेलता देखकर भोलानाथ सिसकना भूल गए थे, तो यहां पर आ जाएगा साथी बच्चों को खेलता देखकर। कड़वी ककड़ी सा क्या लग रहा था, देखो मैंने अभी बताया तब से आगे कि कड़वी ककड़ी सा गोपियों को क्या लग रहा था, योग का संदेश जो उद्धव जी लेकर आए थे, ठीक है, कि उन्होंने कहा था कि आप योग करो, ठीक है, प्रश्न को भूल जाओ। वात्सल्य के अलावा रसों की कितनी संख्या मानी गई है, तो नौ संख्या मानी गई, नौ। हिंदी की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है, तो वो है कहानी, हो गया। संधि तीन प्रकार की होती है, सबको ही पता है, सत्यवाद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। मैया ने, मैया ने हल्दी पीसकर भोलानाथ के घावों पर थोपी, ठीक है, तो बिल्कुल सत्य बात है। अगला देखिए, किसी बुद्धिस्ट के मरने पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती है, तो देखिए पहले तो बुद्धिस्ट का मतलब क्या है, देखो ये जो बुद्धिस्ट है इसका मतलब क्या है, ये है बौद्ध धर्म का अनुयायी। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको याद भी रहेगा जब आप इसका अध्ययन करोगे, तो बौद्ध धर्म का अनुयायी, बौद्ध धर्म का अनुयायी को कहते हैं बुद्धिस्ट, ठीक है। अब यदि ये जो मरता है तो कोई भी अनुयायी मरते हैं तो क्या रंगीन पताकाएं फहराई जाती, नहीं फहराई जाती, ये बात आपकी असत्य है।
कौन सी पताकाएं फहराई जाती है? तो भैया श्वेत पताकाएं फहराई जाती है, श्वेत, ठीक है, वो भी कितनी, 108, 108 श्वेत, 108 पताकाएं फहराई जाती है, ठीक है, 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती है। गोपियों ने उद्धव के संदेश को स्वीकार कर लिया, गोपियों ने जो है वो उद्धव के संदेश को स्वीकार कर लिया क्या? तो भैया नहीं किया था, ये बात भी आप जानते हैं, ठीक है, उन्हें कड़वी ककड़ी सा उसका संदेश लग रहा था तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया था, ठीक है। थोड़ा सा छोटा करते था कि हमारे बच्चों को स्क्रीनशॉट लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये जो मैंने लिखा है दो शब्द यहाँ पर ले लिया। चलिए वापिस अब आगे बढ़ते हैं इसमें। कामायनी जो है आधुनिक काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है, कामायनी जो है आधुनिक काल का श्रेष्ठ महाकाव्य, तो ये हो जाए आपका सत्य। पान वाला कैप्टन चश्मे वाले का भाई था, ये हो गया आपका असत्य, ठीक है। अब देखिए यहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन कौन सी कमी खटकी? बिस्मिल्ला खां को सेनाई का मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया? ये जो प्रश्न है बेटा, ये सारे के सारे प्रश्न में सॉल्यूशन के साथ आपको अच्छे से प्रोवाइड कराऊंगा, वो भी अगले वीडियो में, लेकिन अब जब तक आपको क्या करना है, बढ़िया से ये स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत सारी चीजें आपको सिलेबस में पढ़ाई भी है, अभी स्कूल में पढ़ाई की बहुत सारी चीजें 99% बच्चों को याद रहती है, ऐसा नहीं जो पढ़ते हैं उनको, ठीक है, नहीं याद है। और कई कई बच्चे क्या है प्राइवेट फार्म से भी पढ़ते हैं, तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल साबित होगा, बस उन्हें ये जो मैं पेपर प्रोवाइड करा रहा हूँ ना आपको, ये इनको अच्छे से आपको कंप्लीट करना, लेकिन एफ तक करने 6 पेपर प्रोवाइड कराऊंगा। बड़ी रिसर्च के बाद पूरी बुक में से जो निचोड़ है वो निचोड़ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं अपन नई कविता की दो प्रमुख विशेषताएं, तुलसीदास तथा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएं, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में कौन कौन से व्यंग निहित है, संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य में कोई दो अंतर लिखना है, दोहा और छंद के लक्षण बताने हैं, उदाहरण सहित मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको देनी है, आत्मकथा और जीवनी में आपको अंतर बताने हैं, यहां से देख सकते हैं प्रसंग प्रसंग व्याख्या करनी है आपको, हो गया। यहां से देख लीजिएगा संदर्भ प्रसंग व्याख्या यानी कि भावार्थ आपको करना है, उदो तुम हो अति बड़भागी अपरस रहत सने तगाते ना ही मन अनुरागी, सबको समझाऊंगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाथ शंभु धनुभंज निहारा हो जाऊं कहूं एक दास तुम्हारा, योग्य इतना। ठीक है, और ये अंतिम क्वेश्चन नंबर 23 है, कई बार क्या होता है एग्जाम में ये निबंध जो है 23वें में देता, तो कोई दिक्कत नहीं उससे, है ना, ठीक है, आप निश्चिंत रहिएगा, कई बार कई साल ये 23वां प्रश्न ये जो आप पठित ध्यान से है ये आपका 22वां 21वां पर रहता है, लेकिन कभी कभी 23वां पर भी दे देता है, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं अपन आराम से ये चीज। तो बच्चों ये मैंने आपको आज एक प्रश्न पत्र सोल्व कराया जो भी बड़ी रिसर्च के बाद में मैंने तैयार कराया है, ठीक है। इसी तरह के और भी पेपर है जो कि मैंने आपको शुरुआत में भी बता दिए हैं बच्चों, है ना, ये सेट बी है, सेट सी है, डी है, ई है और एफ है, बस ये 6 तरह के पेपर कर लो, अच्छे से तैयारी करिए, जितने भी चीजें बता रहा हूँ वो चीज 100% श्योर फंसेगी, मैं जो चीजें बताता हूँ रिसर्च के बाद बताता हूँ, इसके अलावा भले आपको टाइम बचता है तो पढ़िएगा, पर पहले प्राथमिकता इनको दे दीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।